हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघव सर डॉट कॉम में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। चलिए इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें प्रकाश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के बिना नहीं हो सकती, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश उत्प्रेरक का काम करता है, प्रकाश के द्वारा क्रियाकारक क्रियाफल में बदलता है, ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे। हमारा सबसे पहला और सटीक उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप सभी जानते हैं पौधे स्वपोषी होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से पहला है हरित लवक या क्लोरोफिल, जो उनकी हरी पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा पदार्थ या क्रियाकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। तीसरा पदार्थ है पानी, जल अर्थात H2O, जिसे पौधों की जड़ें मृदा से ग्रहण करती हैं। और चौथा कारक या चौथा पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है वो है सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। तो इन चारों में से 1, 2, 3 और 4, इन चारों पदार्थों में से अगर कोई एक पदार्थ भी पौधे को न मिले तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। आप सभी जानते हैं पौधे दिन में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, रात्रि के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रात्रि में पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। तो इस प्रकार यहां पर देखिए प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में क्रियाकारक क्रियाफल में बदल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में अपचयित हो रही है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो यहां पर एक परिभाषा हम और बना सकते हैं कि वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश उत्प्रेरक का काम करता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे उदाहरण को देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत चमकीले रंग के सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग में बदल जाना। सिल्वर क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AgCl। ये देखिए एक डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। सिल्वर क्लोराइड सामान्यतः अंधेरे कमरों में रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड अर्थात AgCl को हम गहरे रंग की कांच की शीशियों में या प्लास्टिक के बंद डिब्बों में रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसे सूर्य का प्रकाश मिल गया तो यह टूट जाता है, विघटित हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। सिल्वर क्लोराइड का जो चूर्ण है वो श्वेत और चमकीले रंग का होता है, लेकिन अगर इसे हम सूर्य के प्रकाश में रख दिए, जैसा कि यहां चित्र में दिखाया गया है, हमने एक चाइना डिश में श्वेत चमकीले रंग का सिल्वर क्लोराइड का चूर्ण रखा है, जैसे ही उस पर सूर्य का प्रकाश गिरा वह गहरे या धूसर रंग में बदल गया, ग्रे कलर में बदल गया, मिट्टी के रंग में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर सूर्य के प्रकाश ने सिल्वर क्लोराइड का विघटन या अपघटन या वियोजन कर दिया, देखिए उसको तोड़ दिया। सूर्य के प्रकाश ने AgCl के Ag धनायन और क्लोरीन ऋण आयन के मध्य जो बंध बना हुआ था उसको सूर्य के प्रकाश ने तोड़ दिया, और इस प्रकार सिल्वर आयन सिल्वर परमाणुओं में बदल गए और धूसर रंग
हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार सूर्य के प्रकाश ने AgCl का विघटन कर दिया, जिससे AgCl श्वेत रंग से धूसर रंग का हो गया। तो यह क्रिया प्रकाश के द्वारा ही होती है, तो इसे भी हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां एक परिभाषा और लिखी जा सकती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश के द्वारा वियोजन या अपघटन होता है उन्हें हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रियाकारक दो क्रियाफलों में टूट रहा है, अर्थात प्रकाश के द्वारा यहां वियोजन हो रहा है। चलिए, इसलिए आप सभी जानते हैं कि जो दवाइयां होती हैं या जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें गहरे रंग की कांच की बोतलों में रखा जाता है और उनके ऊपर लिखा जाता है कि इसे अंधेरे व नम स्थानों पर रखें ताकि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर ना जाए और वह रासायनिक पदार्थ खराब ना हो। इसलिए दवाइयां भी हम गहरे रंग की बोतलों में भरते हैं। चलिए हम तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है फोटोग्राफिक फिल्म पर फोटोग्राफ का बनना। अभी के कैमरे अलग हैं। अगर आप थोड़ा पहले जाएं तो पहले कैमरों के अंदर एक रोल लगता था जिसे हम निगेटिव भी कहते थे। इस प्रकार का एक रोल आता था जो यहां पर पीछे का दरवाजा खोल के कैमरे में लगा दिया जाता था। इसमें इस प्रकार के छोटे और बड़े साइज की 36 के करीब छोटी छोटी फिल्म प्लास्टिक की या निगेटिव हुआ करती थी। जब फोटो खींचा जाता था क्या होता था, जैसे ही फोटो खींचा जाता था प्रकाश जो कि वस्तु से टकराकर लौट रहा है, ये सूर्य का प्रकाश दिन के समय, यहां पर आप खड़े हुए हैं या किसी वस्तु को जिसका फोटो आपको लेना है, तो सूर्य का प्रकाश उस वस्तु से टकराकर लौटता, आगे लगा हुआ उत्तल लेंस उस प्रकाश को इकट्ठा करता, कुछ समय के लिए शटर खुलती और प्रकाश उस फिल्म पर, उस नेगेटिव पर जाकर गिरता। जैसे ही नेगेटिव पर जाकर गिरता क्या होता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नेगेटिव पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा हुआ रहता था। सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड भी हो सकता है, यानी सिल्वर का कोई हैलाइड होना चाहिए। तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता था। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता यहां पर यह सिल्वर ब्रोमाइड विघटित हो जाता, वियोजित हो जाता सिल्वर और ब्रोमीन में। ब्रोमीन गैस है, उड़ जाती और जो सिल्वर के जो परमाणु बचते उनके कारण इस निगेटिव पर, इस प्लास्टिक की फिल्म पर सामने वाली वस्तु जिससे प्रकाश आ रहा है उसके गहरे रंग की छाप बन जाती। यहां पर निगेटिव पर दिखाई दे रहा है, उल्टी छाप बनती थी, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा फोटो बनता था वस्तु का। बाद में इस निगेटिव को निकाल कर इसको अंधेरे कमरे में डिवलप कर लिया जाता था, इससे फोटो बना ली जाती थी, श्वेत साम, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस प्रकार यहां आप देख रहे हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश इस फिल्म पर नहीं पड़ता तो फोटो नहीं बनता। रात्रि के समय भी फोटो खींचे जा सकते थे। रात्रि के समय कैमरों में फ्लश लगा हुआ रहता है, जैसे ही हम फोटो खींचते हैं फ्लश से लाइट चमकती है, वो लाइट वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है, लेंस उसे फिल्म पर डालता है, फिल्म पर जो लेप चढ़ा हुआ सिल्वर ब्रोमाइड का वो उस प्रकाश के द्वारा अपघटित होकर सिल्वर में बदल जाता है। इस सिल्वर के कारण वस्तु की निगेटिव पर गहरे रंग की छाप बन जाती है और फोटो खींच जाता है। ये पहले समय पर होता था जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निगेटिव पर बनाए जाते थे। तो फोटोग्राफी की क्रिया भी प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के तीन उदाहरण देखे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग से धूसर रंग में बदलना और फोटोग्राफिक फिल्म पर फोटोग्राफ का बनना। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को आप गौर से देखें तो इन तीनों ही उदाहरणों में प्रकाश को अवशोषित किया जा रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो हमारी परिभाषा बन जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हैं, उन्हें हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और चूंकि इन तीनों अभिक्रियाओं में प्रकाश को ग्रहण किया जाता है, ये देखिए इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा प्रकाश के रूप में अवशोषित होती है, तो ये कैसी अभिक्रियाएं हुई? जी हां, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये ऊष्मा या ऊर्जा को प्रकाश के रूप में ग्रहण करती हैं। तो हम एक और परिभाषा यहां बना सकते हैं, वे समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश को ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में ग्रहण करती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
तो हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की कम से कम तीन परिभाषाएं देखी और तीन उदाहरण देखे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।